गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इसका इंग्लिश ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक क्लास टू का दूसरा लेक्चर है। मैं इसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको मैंगोज एंड गुआवास की स्टोरी टेलिंग की थी, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके करेंगे डिक्टेशन वर्ड्स, ठीक है। तो डिक्टेशन वर्ड्स जो हैं, आई एम गोइंग टू राइट द डिक्टेशन वर्ड्स ऑन नोटबुक। आपने इसी तरह से अपनी नोटबुक पर इसको पहले पेज को रेडी करना है, ठीक है। ऊपर जैसे आप क्लास वर्क डेट लिखते हैं, मैंगोज एंड गुआवास डिक्टेशन वर्ड्स, और नंबरिंग जो है आपकी इसके बीच में, और काइंडली आपकी राइटिंग जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सो योर फर्स्ट वर्ड इज म्यूजिक, MUSIC। इसको इसी तरह आपने सेकेंड टाइम आगे राइट करना है, जैसे हम अपने क्लास के काम में करते हैं, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज डांस, DANCE, ओके। सेकेंड टाइम फिर इसको राइट कर लेना आपने। थर्ड वर्ड इज कॉइन, COIN, कॉइन। फोर्थ वर्ड इज ट्विग, TWIG, ओके। इसको आपने साथ साथ ही नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पर सेकेंड टाइम राइट करते जाना है। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज मैंगोस, MANGOES। आवर नेक्स्ट वर्ड इज गुआवास, GUAVAS, ओके। एंड आवर लास्ट वर्ड इज टेलीस्कोप, ओके, TELE, टेलीस्कोप, TELESCOPE, ओके। ये आपके अपनी नोटबुक पर जिस तरह आप क्लास में काम करते हैं उसी तरह आपने नीट एंड क्लीन इसको, यही वर्ड्स होंगे जो आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और इनको वन टाइम राइट करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा भी, ठीक है। तो आपने इसको नीट काम को बहुत अच्छी तरह और नीट करना है। जी बच्चों, डिक्टेशन वर्ड्स के साथ आज हम इसी चैप्टर की 2 पेजेस की रीडिंग करेंगे, ठीक है, पेज नंबर 74 एंड 75। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड्स टू नाउ। Groaned made a deep sound of pain or sorrow. यानी जब आप उदास हैं या आप तकलीफ में होते हैं तो जो आप इस तरह से आप बिहेव करते हैं वो होती है groaned. Spring, the season of the year between winter and summer. सर्दियों और गर्मियों के दरमियान जो मौसम होता है बहार का, उसे spring कहते हैं। टेलीस्कोप, अ डिवाइस यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपेयर क्लोजर सो दे कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम फार अवे। ये एक ऐसी डिवाइस होता है, एक ऐसा आला होता है जिससे हम दूर की चीज़ों को नज़दीक से करके देख सकते हैं, यानी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ट्विग, अ थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री और बुश। ट्विग किसे कहते हैं, एक पतली शाख ब्रांच को, यानी शाख को, ठीक है, दरख्त की। आगे, वंस देयर वॉज अ यंग मैन कॉल्ड परवेज, ही लिव्ड नियर द सी। वन डे ही वॉज सिटिंग ऑन अ रॉक प्लेइंग हिज फ्लूट। फ्लूट किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, बांसुरी को। सडनली ही सॉ अ ब्यूटिफुल ग्रीन स्नेक, इट बिगेन टू डांस। आफ्टर सम टाइम द स्नेक स्पोक टू हिम, थैंक यू फॉर योर म्यूजिक शी सेड, एंड शी गेव परवेज अ गोल्ड कॉइन। परवेज वॉज वेरी हैप्पी, एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट and the beautiful snake danced and then gave him a gold coin. He left his little hut. He bought some land and built a new house. When September came, the snake said, Parvez, I am going away for the winter. I shall come back next spring. Now answer this question. What do you like, mangoes or guavas? I like both, said Parvez with a smile. Here you are, said the snake, and she gave Parvez a twig. Plant this twig in your garden. One day it will give you mangoes and the next day guavas. So Parvez planted the twig and soon it grew into a fine tree. One morning the tree was full of mangoes. Parvez picked the mangoes and sold them in the town. When he got home, the tree was full of flowers again. And the next morning,
It was full of guavas. Every day Parvez sold his fruit. He became quite rich. One day a ship came into the harbor. The captain saw Parvez tree through his telescope. ठीक है जी, ये आपके दो पेजेस की रीडिंग हो गई 74 एंड 75। और इसके साथ बच्चों आपने द मुल्ला सन का बुक वर्क जो है वो अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और जो जो काम होगा उसको साथ साथ अच्छे तरीके से करना है। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।